तो सोचता है आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जाता है और सोचता है आज अगर जी जान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, बहुत जोर है। अरे भरम है भरम, देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। वो हमारी जिंदगी को खराब किया है, हम तेरा अच्छी तरह देख ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। हाँ तेरे को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे, गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत है लंबा दंगल चलेगा रे तोर हमारा। तैयार है, है? जी आप ही हैं। कैसे हैं? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हम पत्रकार हैं, नाम है आलोक झा, भारत समाचार अखबार में लिखते हैं। सुने आप कई सालों से पहाड़ तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? अपना कब्र खोद रहे हैं। मजाक कर रहे हैं तो क्या कहें कि ताजमहल बना रहे हैं? अरे आप तो बिगड़ गए। लोग कहता हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है। आप अपना टाइम खराब मत करिए, ये भीतर का घाव है। जब तक ये टूटेगा नहीं भरेगा नहीं। बहुत भारी काम ले लिए हैं, ठीक है, टूट जाए तो बताइएगा, आपका फोटो छाप देंगे अखबार में। बड़े हिमायती बन रहे हैं, हैं? आइए तनी हाथ लगवाइए, आइए। क्या हाल चाल दशरथ भाई? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अच्छा एक बात बताइए, ये दुनिया में इतना सारा काम है, वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है? भाई अपना अपना हुनर है, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, हम पहाड़ तोड़ते हैं। और इतना ताकत कहां से लाते हैं? ये प्रेम है, पहले अपने जोरों से था, अभी पहाड़ से है। इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए, पर एक हमें देखिए, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। अपने आप से घिन आता है। तो अपना अखबार काहे नहीं छाप देते हैं? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? आप तो कमाल कर दिए दर्शक माझी, आप सुपरमैन हैं, आप मिस्टर इंडिया हैं, हैं? अकेले ही छेनी हथौड़ी से पूरा पूरा पहाड़ तोड़ दिए। अच्छा एक बात बताइए, इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे? हम तो ठेपा मार हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया? कुछ तो कहिए। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठाओ। सिक्का दोनों का होता है, हेड्स का भी और टेल्स का भी, पर वक्त सिर्फ उसका आता है जो पलट कर ऊपर आता है। आज कुछ नहीं बचा पर खुश हूं, अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में, फर्क तभी आता है। अगर अपॉर्चुनिटी के बीच में ही तो चांस मिलता है, और जो उस चांस के साथ रोमांस करता है वही असली राजा कहलाता है। क्या है ना कि अभी जिंदगी में कोई क्वीन नहीं है, इसलिए पत्तों में भी नहीं आती। जिस दिन अभी लाइफ में आएगी ना, तो फिर देख अपना लक कैसे बदलता है। जेब खाली हो तभी तो सपने देखने चाहिए, तभी तो जेब भर जाने के बाद उन सपनों को सच किया जा सकता है मेरे भाई। अरे क्या हारता हारता रटे जा रहा है यार,
जो हारता है वही तो जीतने का मतलब जानता है। हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, हाँ कमाल का होता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। करियर को मैंने करियर नहीं माना है, मैंने अपना पैशन माना है। और जिस दिन किसी इंसान का काम उसका पैशन बन जाता है, उसके लिए फिर वो आंख बंद करके सारी उम्र भी लगा रहे ना, वहां से कोई उसको हिला नहीं सकता। आई एम वेटिंग टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट वर्किंग। जब से मैं पैदा हुआ तब से आज तक कैसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा। माय रूटीन स्टार्ट्स एट मॉर्निंग 4 o'clock। यही एक मौका मिलता है एक घंटे का, 4 से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि मैं जब अकेला रहता हूँ। एंड दैट इज द बेस्ट टाइम व्हेन आई थिंक कि अब मैं क्या करूंगा। अ पर्सन नीड्स एवरी डे एक घंटा तो कम से कम चाहिए खुद के लिए। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.